दोस्तों नमस्कार। देख लीजिए हमारा जो रसौत है वो रसौत शुद्ध कर लिए हमने। अशुद्ध करने के बाद इसको गैस की धीमी आंच में चढ़ा दिए हैं, लोहे की कढ़ाई में। अब इसको बैठना नहीं चाहिए नीचे में, नहीं तो जल जाएगा। जल जाएगा तो फिर औषधि गुण इसके समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इसको जब तक ये सूखा ना हो जाए हलवा जैसा, तब तक इसको चलाते रहेंगे। अब देख लीजिए इसमें का आधा पानी तो अभी इसी में सूख गया है। अब इसको ऐसे ऐसे इसको चलाते